एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. सो फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरा बेस क्रिएट किया है एंड अब सेकेंड वीडियो में मैं अपना आई मेकअप आप लोगों को बताने वाली हूँ. सो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं. यहाँ पे यूरोप गर्ल की ये पैलेट यूज कर रही हूँ, कलरफुल पैलेट है. इसमें से मैं अपना जो भी मुझे शेड अच्छा लगेगा यानी क्लोज होगा मेरे कपड़ों के वो यूज करूंगी ऑब्वियसली. सो चलिए अब बेस से शुरू करते हैं. सो मैं यहाँ पे ये टिप्सी ब्यूटी की काजल यूज कर रही हूँ, ब्लैक काजल है, और इसको मैं लगाऊंगी अपनी आई लिड पे कुछ इस तरीके से. आपको बहुत प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस अपनी आई लिड पे इस तरीके से लगा दीजिए क्योंकि इसके ऊपर अभी हम ब्लैक आई शेडो भी लगाने वाले हैं. तो इसको लगा के अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो ये मैंने काजल इस वजह से लगाया ताकि हमारा जो बेस है ब्लैक कलर का वो बहुत अच्छे से उभर के आए. अगर आप सिर्फ पाउडर से करोगे तो वो उतना अच्छे से नहीं दिखेगा. एंड इसको लगाने के बाद आपको तुरंत ब्लेंडिंग करना शुरू करना है, अदरवाइज ये सेट हो जाएगा. सो अब आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. इसके ऊपर अब मैं ये मिस क्लेयर का आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ. सब ब्लैक पिगमेंटेड आई शेडो, इसको हम लगाएंगे एक्स्ट्रा टैप ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ आईलिड पर. और इस तरीके से लगाने के बाद मैं एक दूसरा क्लीन फ्लफी ब्रश लूंगी. एजेस जो है ना हमारी वो हार्श नहीं लगनी चाहिए. मैं सिर्फ आई शेडो के ऊपर टैप टैप कर रही हूँ. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ पे ब्लेंडिंग करने जाऊंगी तो आई शेडो जो है वो ऊपर की तरफ ब्लेंड हो जाएगा. सो इसके ऊपर ही आपको टैप टैप करना है. मरून शेड लिया है एंड उससे मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ. अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा डार्क लग रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैंने इसको पहले प्लेस कर दिया एंड अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. एंड मैं आपको यहाँ पे एक हैक बताती हूँ गाइज. कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपका जो भी आप आई शेडो लगा रहे हो बहुत ज्यादा लग गया है, मतलब आपको इतनी पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, आपको इसको थोड़ा सा लाइट करना है. जैसे अभी मुझे लग रहा है ये पिंक बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, इसको थोड़ा सा मुझे लाइट करना है, तो आप कोई भी पाउडर जो होता है ना उसको लेके उसके ऊपर थोड़ा सा उसको टैप करके. सो ये जैसे मैंने ब्लू हेवन का पाउडर लिया था ना, ये सेम ब्रश में मैंने लिया है अभी, ठीक है. इसको एक्स्ट्रा मैं टैप कर दूंगी तो इसके अंदर पाउडर आ गया है. एंड इसको अब मैं ब्लेंड कर लूंगी जहां भी मुझे लग रहा है कि मेरा आई शेडो बहुत ज्यादा डार्क हो गया है. ठीक है, एंड इसको अभी क्लीन कर लूंगी एंड बाद में अगेन ब्लेंडिंग स्टार्ट करूंगी. ऐसा करने से आपका आई शेडो एक टोन लाइट हो जाएगा. अच्छा भी लगेगा. ओके सो इसके बाद अब मैं यहाँ पे वो पिगमेंट प्लेस करूंगी, यानी पिगमेंट मतलब अपना पहला कलर लगाने वाली हूँ. सो मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन शेड देख सकते हो, अब लाइट ग्रीन शेड एक फ्लफी ब्रश में ले रही हूँ एंड इसको मैं ब्लैक आई शेडो के ऊपर प्लेस करने वाली हूँ. सब आप देख सकते हैं ब्लैंक के ऊपर ना एक हिंट आ गई है इस कलर की जो मुझे चाहिए थी. अब इसके ऊपर मैं थोड़ा और डार्क ग्रीन कलर चाहती हूँ तो मैं वो लूंगी शिमरी डार्क ग्रीन कलर. एंड ये इतना पिगमेंटेड नहीं लगेगा अगर आप डायरेक्ट लगा लेंगे, आपको नीचे बेस में ब्लैक कलर लगाना कंपल्सरी है तभी ये इतना अच्छे से पिगमेंटेड लगेगा. सो इसको लगाने के बाद अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम ब्रश से. तो मैंने फिंगर पे थोड़ा सा व्हाइट शिमर लिया है जिसको मैं थोड़ा सा बीच में लगाऊंगी. भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पॉप कर रही है. ओके
सो इसके बाद अब बारी आती है आईलाइनर की. सो मैं अगेन ये टिप्सी ब्यूटी की ही पेन ले रही हूँ और इसमें स्केच आईलाइनर है तो उससे मैं अपनी आईलाइनर कंप्लीट करूंगी. अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा. अगेन दिस इज अ वेरी गुड मस्कारा, मेबलिन का वॉल्यूमिनस मस्कारा है. लास्ट एंड फाइनल अब बारी आती है लिपस्टिक की. सो मैं यहाँ पे ये न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ. इट्स अ न्यूड लिक्विड लिपस्टिक.